नमस्कार दोस्तों, वेवन बिधारियों में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोगीबील सेतु के बारे में, बोगीबील ब्रिज। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में, कहां पर, असम राज्य में बोगीबील सेतु का उद्घाटन किया। छोटे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है बोगीबील सेतु कहां पर है या किस राज्य में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, तो असम राज्य में, ठीक है ना। ठीक, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं हम लोग बोगीबील पुल के बारे में जानते हैं, सेतु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बोगीबील पुल बनाने की मांग 1965 में उठी। सबसे पहले कब? 1965 में उठी थी। दरअसल 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान चीनी सेना असम के तेजपुर तक आ गई थी। कहां तक आ गई थी? असम में एक जगह है तेजपुर, वहां तक आ गई। चीनी सेना के सरकारी कार्यालयों समेत स्टेट बैंक की शाखाओं में आग लगा दिया गया था, ठीक है। उस समय वहां का जिला प्रशासन ब्रह्मपुत्र के इस तरफ चल आया था, तभी वहां के लोगों ने ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने की मांग उठाई थी। साल 1965 में जब उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री जगजीवन राम डिब्रूगढ़ दौरे पर आए थे, तो ईस्टर्न असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने की मांग की। हालांकि बोगीबील पुल के निर्माण से जुड़ी परियोजना 1997-98 में स्वीकृत हुई। इस योजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने 22 जनवरी 1997 को रखी थी और इस योजना पर काम 21 अप्रैल 2002 को, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान शुरू हुआ। कहने का मतलब, बड़े लंबे समय से मांग हो रही है। जब भारत चीन जो है युद्ध की नौबत, जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद वहाँ पर तबाही मचाया था, चीनी सेना असम तक चली आई हुई थी, ठीक है। तो 1965 से इसकी मांग की गई, फिर 1997-98 में इस परियोजना को स्वीकृति मिली। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवेगौड़ा थे। 22 जनवरी 1997 को इसकी आधारशिला रखी थी। इस योजना को जो है 2002 में क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे क्या किया? शुरू किया। ये तो हो गई शुरुआत इसका। आगे बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, बोगीबील सेतु से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। ये जो बोगीबील सेतु है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है किस नदी बना है, और जब UPSC पूछेगा तो कथन बनाएगा बोगीबील सेतु असम राज्य में है या ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है पुल है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सही है, उपरोक्त में से कौन से सही है, तो जो भी सही होगा आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो या सांगियो नदी भी कहते हैं। जब यह नदी नामचा बरुआ हिमालय का एक शिखर, एक चोटी है, से होकर दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मतलब ये जो नामचा बरुआ पर्वत है, यहीं से जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी ये ब्रह्मपुत्र नदी, क्लियर। इसे दिहांग नदी कहते हैं वहाँ पर। यही नदी असम में प्रवेश करने के बाद क्या कहला देती है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ये थोड़ा सा किस नदी पर बन रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी को जब ये नामचा बरुआ से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, क्या कहते हैं? तो इसे दिहांग नदी कहते हैं, ठीक है। और इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो या सांगियो नदी कहते हैं। क्लियर हो गई। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इस पुल पर सड़क पथ व रेल पथ दोनों बने हुए हैं। इस पुल पर क्या हुआ? सिर्फ सड़क ही नहीं बना हुआ बल्कि रेल पथ भी बना हुआ, जिसे रेल लाइन भी गुजारी गई है। यह पुल कितने किलोमीटर लंबा है? तो 4.94 किलोमीटर लंबा है। यह पुल कितना लंबा है? 4.94 किलोमीटर लंबा है और भारत का सबसे लंबा सह सड़क सेतु है। मतलब सड़क की सहायता है जो सेतु बना हो, उसे कहा जाता है सह सड़क सेतु। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा सेतु है, ठीक है। सबसे बड़ा सह सड़क सेतु है और भारत का चौथा सबसे बड़ा सेतु है। इसके पहले तीन और जो है बड़े सेतु है। एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रोड सेतु है,
ठीक है, भारत का तो पहला है और एशिया में यह दूसरा है। इससे पहले साल 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, किसमें असम अरुणाचल प्रदेश के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.15 किलोमीटर लंबा धोला सदिया पुल का उद्घाटन किया था, जो देश का क्या है सबसे लंबा सड़क पुल है। सबसे लंबा कौन सा है? धोला सदिया पुल 9.15, और ये जो बनाया गया है ये कितना है? 4.94 किलोमीटर। तो ये चौथे नंबर पे है और 9.15 के साथ ये पहले नंबर पे धोला सदिया पुल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बोगीबील से तो डिब्रूगढ़ धेमाजी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दक्षिण में डिब्रूगढ़ शहर को धेमाजी से नदी के उत्तर में जोड़ता है। यह सेतु अरुणाचल प्रदेश सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत का एकमात्र पूर्ण रूप से वेल्डेड पुल है। यह क्या है? भारत का जो है पूर्ण रूप से वेल्डेड पुल कौन सा है? तो यही पुल होगा, बोगीबील। ठीक है, जिसके निर्माण में देश में पहली बार यूरोपीय वेल्डिंग मानकों का पालन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। गर्डर्स में रेलवे ट्रैक के लिए स्टील फ्लो सिस्टम और सड़क के लिए कंक्रीट है। भारतीय रेलवे में इस प्रकार की संरचना का निर्माण पहली बार किया गया है। क्लियर हो गई बात, मतलब ये बताया जा रहा है। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, हम लोग बात करें तो सुरक्षा नीति के नजरिए से इस पुल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा जो जानकार है उनका मानना है कि ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ बसे लोगों की कनेक्टिविटी के अलावा असम के इस हिस्से को चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश से जोड़ना बेहद जरूरी था, ताकि बिना किसी दिक्कत के भारतीय फौज अपने सामान के साथ सीमावर्ती प्रदेश के आखिरी छोर तक कम समय में पहुंच सके। ठीक है, बोगीबील पुल के नीचे की तरफ दो रेल लाइन बिछाई गई है और उसके ऊपर 3 लेन की सड़क बनाई गई है, जिस पर भारी सैन्य टैंक आसानी से गुजर सकते हैं। पुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करेगी, नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए, जिसे न केवल डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर तक के समय में 4 घंटे कम हो जाएंगे, बल्कि दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच ट्रेन यात्रा में भी 3 घंटे की कटौती होगी। इसके अलावा इस पुल के वजह से धेमाजी से डिब्रूगढ़ की दूरी महज 100 किलोमीटर रह जाएगी, जो सिर्फ 3 घंटे में पूरी हो सकेगी, जबकि इससे पहले दोनों शहरों का फासला कितना था? 500 किलोमीटर था। ये सब कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, इसलिए इसको आप लोग कम से कम 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, 2 बार वीडियो को देखिएगा आप। ठीक है, जिसे पूरा करने में कितने वक्त लगता था? 24 घंटे का वक्त लगता था। अब आपको क्या होगा, ये मात्र 3 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा बोगीबील सेतु। ठीक है, ये कहाँ है? वो जो है असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है। क्लियर हो गई बात। ठीक, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर बसती है। तो फ्रेंड, ये था जो है बोगीबील जो है सेतु के बारे में जानकारी। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके भी PDF आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इस ये जो टॉपिक जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये भी PDF आपको अवेलेबल हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम करना होगा। आपको जो है हमारा WhatsApp नंबर है 9452936338 पे जाना होगा और आपको कमेंट करना होगा अपना नाम और पता। हम आपको टॉपिक का PDF और साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। क्वेश्चन का PDF इसलिए कि छोटे से बड़े एग्जाम सभी एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या आपने इस पूरे टॉपिक को सही से समझा है या नहीं समझा है, आप वहाँ पर उसको चेक कर लेंगे। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, PDF को 2 बार पढ़ लिया, तो आपकी सारी समस्या क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।